हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आई वेब के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सैयद रमीज, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ डोमेन नेम्स के बारे में। डोमेन नेम्स क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ऑपरेट होता है, जो डोमेन एक को असाइन हो गया दूसरे को नहीं हो सकता, डोमेन का एसईओ से क्या लिंक है, क्या बेनिफिट है, डोमेन प्रोवाइडर कौन कौन से हो, और इसके साथ साथ एक्सपायर्ड डोमेन के क्या बेनिफिट हैं एसईओ के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकॉन है जिसको प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों, डोमेन नेम जो रहता है वो एक जस्ट नाम है जो किसी भी कॉरपोरेशन के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए एक नाम चाहिए रहता है, किसी इंडिविजुअल की पहचान के लिए। उसके साथ में बहुत सारे उसके एक्सटेंशन आते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी आप देख रहे होंगे इमेज के अंदर। तो जो डोमेन है वो ICANN के नाम से फेमस है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर नाम्स को एलोकेट करता है, नंबर को एलोकेट करता है कंट्री वाइज। तो डोमेन नेम को जो मैनेज करने का काम है वो ICANN का है, वही सबको डोमेन प्रोवाइड करता है। उसके प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको इनके अंदर रजिस्ट्री बनना पड़ता है, आपको इनके साथ टाइप करना पड़ता है। इनका एक सर्टेन अमाउंट का फीस है पर डोमेन का, वो फीस लेते हैं। तो दोस्तों, डोमेन प्रोवाइडर्स जो है इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारी रजिस्ट कंपनियों ने इनके साथ टाइप किया है। एज लाइक कुछ नाम अगर मैं बताऊं तो domain.com है, name.com है, GoDaddy है, बिग रॉक है, और काउ टू काउ है, ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं जो कि डोमेन प्रोवाइडर इनके डोमेन रजिस्ट्री टाइप किए हुए, रजिस्ट्रार बने हुए हैं ICANN के। अब अगर आपको भी अगर डोमेन रजिस्ट्रार बनना है, डोमेन प्रोवाइडर बनना है, तो आपको ICANN के साथ में टाइप करना पड़ेगा। उनका एग्रीमेंट रहता है जिसका काफ़ी फीस है, और उसके बाद ये आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप भी नेम को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप प्रोवाइडर देखिए, इसके साथ में आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन है .com जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, .org जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, .gov रहता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है, .edu है जो एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, .net है जो नेटवर्क रहते हैं, मीन्स मल्टी लोकेशन कंपनियाज रहती हैं, वो .net प्रेफर करती हैं। दोस्तों, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि डोमेन रीसेलर एज ए बिजनेस। आप अगर डोमेन सेल करते हैं तो ये एक आपका बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही रॉयल बिजनेस है। अगर आप डोमेन रीसेलर बनना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार से लेकर या फिर डायरेक्टली टाइप करके ICANN से, तो आप डोमेन रजिस्ट्रेशन का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बहुत ही रॉयल बिजनेस है। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बल्क में डोमेन, एक प्रीमियम डोमेन जिसको बोलते हैं, आप वो डोमेन अपने लिए बुक करके, किसी भी रजिस्ट्रार से बुक करके वो आप प्रीमियम डोमेन को सेल भी कर सकते हैं। तो बिजनेस का दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप डोमेन से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन का रीसेलर बनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप साइन अप करके डोमेन रीसेलर बन सकते हैं। इसका रीसेलर बनने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आप डोमेन बुक करेंगे या आगे सेल करेंगे, रीसेल करेंगे, उसका आपको चार्ज देना रहता है। तो डोमेन के चार्जेस है वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा क्या है। हाँ, डोमेन के चार्जेस जो है वो जनरली अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें डॉलर के प्राइस में, तो अप्रोक्सीमेट 7 डॉलर के आसपास डोमेन का चार्जेस आता है, जिसपे ICANN कुछ फीस लगाता है अपना रेगुलर बेसिस पे। तो वो जनरली $8 से ऊपर $8-9 के आसपास तक एक .com डोमेन का चार्जेस जाता है। और इसको जो मार्केट रेट में अगर मैं बात करूं कि मार्केट में ये कितने का बिकता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये
जनरली 10 से 11 डॉलर 12 डॉलर का कंपनियां देती हैं, और इंडियन मार्केट में अगर इसको हम बात करें तो 700 रुपये 800 रुपये के अप्रोक्सीमेट डोमेन के चार्जेस जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ रहा है कि डोमेन का आइडियल लेंथ क्या रहना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, कि डोमेन जो है आपका जितना शॉर्ट हो, जितने करेक्टर्स कम से कम हो, वो आपका एक आइडियल डोमेन का लेंथ होता है। और जनरली इसको जो ICANN ने डिफाइन किया है वो 8.3 का किया है, 8:3, मीन्स आपका जो नाम है वो 8 करेक्टर का रहना चाहिए, और जो उसके बाद एक्सटेंशन है वो 3 करेक्टर का एक्सटेंशन रहता है। अगर आप देखेंगे कि डोमेन का मोस्टली लेंथ जो है, लोग बड़े बड़े डोमेन नेम ले लेते हैं कि अपना पूरा नाम, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप छोटे से छोटा नाम रखिए, आप फाइंड करिए कि डोमेन आपको छोटे से छोटा नाम का कैसे मिले। सेकेंड हम बात करेंगे कि डोमेन फॉर SEO, SEO का क्या इम्पोर्टेंस है डोमेन के अंदर, या डोमेन का क्या लिंक है SEO के साथ। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि SEO में डोमेन नेम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका डोमेन नेम का सिलेक्शन SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो आपको ये SEO के लिए आपकी मार्केटिंग इस के एफर्ट को बहुत इम्प्रूव कर देता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड डोमेन आपका चुनते हैं, तो आपके लिए ये SEO में बहुत ही फ्रूटफुल हेल्पफुल रहता है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो बहुत सारी कंपनियाँ आपने ऐसी देखी होंगी कि जिनका कंपनी का नाम तो बहुत बड़ा है, बट वो अपने प्रोडक्ट के बेस पर डोमेन नेम चुनते हैं, उसको अपना प्रोडक्ट को ही अपना प्रोडक्ट के नाम से ही डोमेन नेम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पे यू मनी करके जो कंपनी है इंडिया की, वो उनका जो पूरा नाम है वो कुछ और है, और बट जो उनका डोमेन नेम है वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेस पर डोमेन रखा है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ पेटीएम का है, पेटीएम जो कंपनी है वो 197 समथिंग उनका पूरा नाम है, बट उनका प्रोडक्ट का जो नाम रखा है वो उन्होंने पेटीएम, तो वो उन्होंने पे जो वर्ड है वो डोमेन को SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर लिया होगा। अच्छा, एक आता है एक्सपायर्ड डोमेन। एक्सपायर्ड डोमेन जनरली लोग जो SEO करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और डोमेन से बैकलिंक लेने के लिए, उनको ये नॉलेज रहता है, उनको पता रहता है एक्सपायर्ड डोमेन्स के क्या बेनिफिट हैं। तो एक्सपायर्ड डोमेन कैसा है जनरली, कि कोई कंपनी है, अगर उन्होंने 5 साल 10 साल 20 साल एक वेबसाइट चलाया, उसकी रैंकिंग हुई, अच्छा विजिटर्स उस डोमेन पे आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो डोमेन एक्सपायर्ड हो गया, नहीं यूज़ किया बिजनेस, तो आप एक्सपायर्ड डोमेन लेकर उस बिजनेस को, उस नाम को आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये यूज़ होता है एक्सपायर्ड डोमेन SEO के लिए, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप पुराने वेबसाइट से क्या बेनिफिट ले सकते हैं नए वेबसाइट के लिए, और जनरली ये बैकलिंक बनाने के काम आता है। ये ब्लैक हैट SEO का टेक्निक है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन से लेकर बैकलिंक बनाकर आप नए डोमेन को पुश कर सकते हैं गूगल रैंकिंग के लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है, आपको कुछ क्यूरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ डोमेन नेम के डिस्प्यूट के ऊपर, कि डोमेन डिस्प्यूट क्या होता है और उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, गुड बाय।